तो नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने बात की आइकन्स के बारे में, स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, नोटिफिकेशन एरिया। तो ये मैंने आपको दिखाया स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, ये सारा ब्लैक जो है नीचे टास्क बार, एंड राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे ये नोटिफिकेशन एरिया, ये सारे नोटिफिकेशन एरिया हैं, और जिसमें क्लॉक और ये एक्शन सेंटर, यहाँ पर क्लिक करने से, मैसेज बॉक्स पे क्लिक करने से आता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट आइकन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि दिस पीसी आइकन है, एप्लीकेशन आइकन्स हैं, शॉर्टकट आइकन है, डॉक्यूमेंट आइकन है, नेटवर्क, रिसाइकल बिन। दिस पीसी गिव्स यू व्यू ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स ऑन कंप्यूटर। जितने भी आपके कंप्यूटर पे ड्राइव्स, फोल्डर्स हैं, ये दिस पीसी आइकन है। मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ तो ये देखो मेरी ड्राइव्स, कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव्स हैं और जितने भी फोल्डर्स, में इस ड्राइव में डबल क्लिक करूंगी तो ये सारे फोल्डर्स आ चुके हैं और फाइल्स भी आ चुकी हैं। तो दिस पीसी पर क्लिक करने से हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स, फोल्डर्स सेव हैं वो सारे हमें असेस हो जाएंगे, मिल जाएंगे। देन इज एप्लीकेशन आइकन्स टू असेस एप्लीकेशन। किसी भी ऐप को खोलने के लिए, लाइक ये मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मेरे सारे एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स हैं, ये जितने भी मैं इन पे किसी पे भी डबल क्लिक करूंगी तो ये सारे एप्लीकेशंस खुल जाएंगे, डायरेक्ट असेस हो जाएंगे मुझे यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टकट आइकन्स की, डायरेक्ट लिंक टू फाइल्स, फोल्डर्स एंड एप्लीकेशन। ये शॉर्टकट आइकन है, ये देखो इसकी इसका साइन क्या है, ये एरो, ये शॉर्टकट आइकन्स है, ठीक है। ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स जिनके भी साइड पे ये एरो है, मतलब ये क्या है, शॉर्टकट आइकन्स है। ये देखो ये एप्लीकेशंस के, फाइल्स के, ये सारे शॉर्टकट आइकन्स हैं। इनके एप्स यहाँ से खुलते हैं। अभी जूम की बात कर रहे थे तो यहाँ से मैं खोलूंगी, पर मैं बाहर डेस्कटॉप में, मुझे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, मैं इसको जल्दी से खोल सकती हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्ट बटन से। मैं यहां से भी डायरेक्ट इसको ऐसे चला सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं इसको बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट आइकन्स की, इट गेट मिनिमाइज इन टास्क बार। ये देखो ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, पर ये क्या है, जब मैंने इसको बंद किया ये टास्क बार में मिनिमाइज हो गया, तो ये भी एक आइकन है, ठीक है। अभी नेटवर्क, नेटवर्क जिसमें हम, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि नेटवर्क होता है कि हम अपना कंप्यूटर किसी और के साथ शेयर करते हैं, या प्रिंटर अपने किसी और कंप्यूटर के साथ शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो इसमें, इस आइकन में सारी शेयर्ड चीजें होती हैं जो भी हमने किसी के साथ शेयर करनी होती है, की होती हैं। रिसाइकल बिन, इट कंटेन्स डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर्स। इसमें जितने भी अभी तक मैंने डिलीट किए होंगे फाइल्स और फोल्डर्स, ये सारे रिसाइकल बिन में पड़े होंगे, और इनको मैं दोबारा से अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है रिसाइकल बिन, जो डस्टबिन का साइन बना होता है, इसमें डबल क्लिक करूंगी तो ये सारी चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैं किसी पे भी क्लिक करूंगी, ये देखो मैंने किसी पे भी क्लिक किया, फिर मैंने राइट क्लिक करूंगी माउस के साथ, तो ये रिस्टोर की ऑप्शन आती है। तो ये अभी देखो ये यहाँ से चला गया है, और जहां से मैंने इसको डिलीट किया होगा वो वहां पे जाके सेव हो चुका होगा, ठीक है। मैं आपको, जैसे मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैं डेस्कटॉप से डिलीट कर रही हूँ, राइट क्लिक किया, अभी डिलीट, ठीक है। अभी मैं रिसाइकल बिन में जाके देखूंगी तो ये देखो, मुझे रिसाइकल बिन में, मैं डिलीट कर चुकी थी उसको, तो ये रिसाइकल बिन में आ गया। रिसाइकल बिन में मैंने गई, इसको मैंने किया रिस्टोर, मतलब मुझे दोबारा से स्टोर करना है, मेरे से गलती से हो गया। तो अभी ये देखो डेस्कटॉप पे ये फिर से आ चुका है। तो रिसाइकल बिन का फायदा ये है कि कोई भी चीज आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी, सबसे पहले वो डिलीट होके रिसाइकल बिन में जाएगी।